नमस्ते, हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टुडे जामुन लाइव शो। फ्रेंड्स, दिस इज पापिया शर्नल चौधरी फ्रॉम कोलकाता एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ जोरजत्ता स्पेशल रेसिपी रसोबली। रसोबली इज अ माउथ मेल्टिंग स्वीट डिश फ्रॉम ओडिशा एंड इट इज वन ऑफ द 56 भोग ऑफर टू लॉर्ड जगन्नाथ। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज रेसिपी रसोबली। For rasavali, I need chhena. This is cottage cheese or chhena. I have taken Amul Pony for this recipe. You can also use homemade chhena for this recipe. But condition is that अगर आप homemade chhena use करेंगे तो आपको उसका जो excess water है उसको एक से डेढ़ घंटा तक उसको कोई भी मलमल का जो कपड़ा है उसमें ट्रांसफर करके उसका पूरा पानी निकल लेना है। कोई भी पानी इसके छेना में नहीं चाहिए। दिस इज 250 ग्राम्स ऑफ अमूल पनीर। आई हैव ग्रेटेड इट। ग्रेट करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस पोर्शन। इस पोर्शन से आप लोग अगर यूज करेंगे तो छाना बहुत ही महीन होगा। बहुत ही सारे ग्रेटर का है पोर्शन, बट आई हैव यूज दिस पोर्शन। एंड आफ्टर दैट आई नीड 2 टेबलस्पून ऑफ गेहूं का आटा। जगन्नाथ देव का प्रसाद में गेहूं का आटा ही यूज होता है। ऑल पर्पज फ्लावर और मैदा इसके लिए यूज नहीं होता है। अगर आप चाहे तो ऑल पर्पज फ्लावर और मैदा भी आप लोग यू कैन यूज। एंड आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून ऑफ गेहूं का आटा एंड 2 टेबलस्पून ऑफ सेमोलिना। दिस इज सेमोलिना, सम कार्डमम पाउडर। आई हैव टेकन 1 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर। This is pistachio and kaju and almonds roasted and grated. And this is saffron. This is amulia. This is amulia. I have taken 2 tablespoon of amulia for extra taste. And this is amul ghee. I have taken this ghee for this recipe. And amul mithai mirch bhi iske liye chahiye. इसका जो नाप है हम बाद में बोल देंगे। एंड ऑल्सो आई नीड दिस व्हाइट ऑयल एंड अमूल घी, दोनों को ही मैं यूज करके ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। एंड द मेन थिंग इज मिल्क। दिस इज अमूल काउ मिल्क। आई हैव टेकन अमूल काउ मिल्क। दिस इज 1 लीटर ऑफ अमूल काउ मिल्क। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। पहले जो करना है, ये जो 1 लीटर ऑफ मिल्क इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके मैंने रख दिया, इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर देती हूँ। इसको अभी हाई फ्लेम में इसको छोड़ देती हूँ। एंड इसको रिड्यूस करना है और भी रिड्यूस करना है इसको, इसके लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। एंड इसके अंदर मैं दे देती हूँ सैफ्रॉन। सैफ्रन विल एड द कलर, हिज ओन कलर। एंड इसका जो बहुत ही अच्छा खुशबू है वो भी एड कर देगा इसके अंदर। एंड दिस इज अमूलिया, इसको भी मैं इसके अंदर दे देती हूँ धीरे धीरे। आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून ऑफ अमूलिया फॉर दिस रेसिपी। ये दूध को थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एंड थोड़ा सा गाढ़ा भी कर देगा इजिली। एंड इसका टेस्ट भी एनहांस होगा। अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ इसको बॉईल करने के लिए। एंड माय नेक्स्ट स्टेप इज ये छेना को लेना है। आई एम ट्रांसफरिंग दिस छेना, दिस ग्रेटेड छेना। एंड नाउ आई एडिंग 2 टेबलस्पून ऑफ गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून ऑफ सूजी, 1 कार्डमम पाउडर, जस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर एंड जस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ अमूल घी। अभी इसको बहुत ही अच्छे से एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक इसको मैश करना है। घर में अगर आप लोग बनाएंगे तो इसको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट्स के लिए इसको बहुत अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि
छना और सबको अच्छे से मिल जाना चाहिए, नहीं तो डो अच्छा नहीं होगा। एक महीन पेस्ट बनाना है, स्मूथ पेस्ट। इसके लिए इसको बहुत ही अच्छे से 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे इसको मैश करना है। यू हैव टू नीड इट प्रॉपरली फॉर ए स्मूथ पेस्ट। जितना स्मूथ होगा आपका ये बैटर नहीं, जो डो होगा आपका रसाबली का जो बॉल होगा वो उतना ही अच्छा होगा। सो इस नीड इट प्रॉपरली। ओडिशा का जो बल्लभ जी का मंदिर होता है उसमें इसका फर्स्ट इन्वेंशन हुआ, एंड रथयात्रा में जो जगन्नाथ देव को जो प्रसाद के तौर में जो देते हैं ये लोग पंडित लोग, तो इसमें ये रेसिपी भी रहता है। सो फ्रेंड्स, घर में जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसको भी ऐसे बहुत अच्छे से मैश करना है, थोड़ा थोड़ा करके ये हो रहा है, एंड आपका हाथ में एकदम ऑयली हो जाएगा आपका हाथ। दैट मीन्स जब ऑयली हो जाएगा दैट मीन्स योर डो इज रेडी फॉर रसाबली। मेरा दूध भी हो रहा है। दिस रेसिपी इज ऑलमोस्ट लाइक रसमलाई, बट रसमलाई में क्या होता है, रसगुल्ला का तरह रसमलाई का जो बॉल होता है उसको हम लोग चीनी का जो शीरा होता है उसमें पकाते हैं बस। बट दिस रेसिपी इज डिफरेंट फ्रॉम रसमलाई, बट दिस इज वेरी जूसी एंड टेंडर रेसिपी। रसाबली इज अ वेरी टेंडर एंड जूसी होता है। और भी करना पड़ेगा, हाथ में अभी तक ऑयल नहीं आया। घर का जो छेना होता है उससे भी आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन वो मैंने पहले ही बोला छेना के अंदर पानी नहीं चाहिए, पानी को एकदम आपको निकल लेना है। अभी देख लेते हैं ये बॉल के फॉर्म में आ रहा है या नहीं। इसको फ्लैटन करना है, गोल नहीं होता है, क्योंकि फ्लैटन करने से इसके अंदर इजीली दूध का जो फ्लेवरफुल जो मिल्क हम बना रहे हैं वो घुस जाएगा। हाँ, टुडे आई एम मेकिंग रसाबली। दिस इज अ फेमस डिश फ्रॉम ओडिशा। रसाबली इज अ माउथ मेल्टिंग स्वीट फ्रॉम ओडिशा। जगन्नाथ देव का टेम्पल में जो 56 भोग अर्पित होता है उसमें ये रसाबली भी रहता है। सो डे आफ्टर टुमारो इज रथ यात्रा। सो दिस रसाबली आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा जरूर। सो माई डो इज ऑलमोस्ट रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द बॉल्स, रसाबली बॉल्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि लाइव सेशन है, इसमें 8 से 10 मिनट तक इसको नीट करना पॉसिबल नहीं है। और भी नीट करने से अच्छा होता, घर में आप लोग इसको अच्छे से नीट कर लीजिए। पहले एक थोड़ा बॉल बनाना है, राउंड बॉल बनाना है, एंड आफ्टर दैट जस्ट इसको फ्लैटन करना है ऐसे, क्योंकि फ्लैटन करने से एंड आफ्टर दैट जस्ट इसको ऐसे जोड़ देना है, कोई भी क्रैक ना रहे। रिमेम्बर दिस पॉइंट, इसके अंदर कोई भी क्रैक ना रहे। जस्ट हाथ से आप लोग इसको फ्लैटन करने के बाद हाथ से इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ दीजिएगा। और भी 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट्स यू हैव टू नीड इट, आफ्टर दैट यू विल गेट अ नाइस डो। बट मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूं। सो वन इज रेडी, एंड थोड़ा सा और नीट करना है, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट और नीट करना है।
एंड अनदर वन। पहले गोल बनाना है एंड अच्छे से गोल बनाना है एंड आफ्टर दैट इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है एंड इसका जो साइड वाला हिस्सा है इसको क्रैक ना रहे ऐसे कर देना है। फ्राई करने के पहले आप लोग चाहे तो इसको फ्रिज में भी थोड़ा सा रख दे सकते हैं, उसमें अच्छा सा इसका फ्राइंग में ऑयल कम लगेगा, फिर वो भी आप लोग कर सकते हैं। एंड इसको बनाने के बाद फ्रेंड्स दूध के अंदर फ्लेवरफुल जो मिल्क हो रहा है उसके अंदर एटलीस्ट यू हैव टू रेस्ट दिस रसाबली एटलीस्ट फॉर 4 आवर, 4 घंटा के लिए, 3 से 4 घंटा एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो रसाबली है इसके अंदर जैसे रसगुल्ला में भी बनाने के बाद बहुत देर तक उसको रख देना चाहिए, नहीं तो रसगुल्ला अच्छे से तैयार नहीं होता है, उसके अंदर मिठास नहीं जाता है। ऐसे ही रसाबली को भी आप लोगों को हो जाने के बाद तुरंत सर्व मत कीजिएगा, उसको रख दीजिएगा एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स। एंड अनदर वन, चाट्ठो मेरा, मैं चाट्ठो अभी बनाती हूँ और पॉसिबल है तो बना देती हूँ, अभी चाट्ठो हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस इनटू अनदर ओवन एंड इस ओवन में मैंने और एक पैन ले लिया। मेरा जो दूध है ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, इसको होने देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑयल, दिस इज व्हाइट ऑयल एंड इसके साथ थोड़ा सा घी, फॉर एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस आई एम गोइंग टू ऐड सम घी, 1 टीस्पून, 2 टेबल टीस्पून एंड 3 टीस्पून घी आई एम एडिंग फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट। आप लोग चाहे तो पूरा घी से भी इसको बना सकते हैं, कोई भी भोग या गॉड को हम लोग जो अर्पित करते हैं उसमें घी का ही यूज होता है, ऑयल का यूज नहीं होता है, लेकिन सेहत के लिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा सा ऑयल लिया और थोड़ा सा 3 टेबल स्पून 3 टीस्पून ऑफ घी इसके साथ मिला लिया फॉर घी का जो फ्लेवर वो आने के लिए। सो मेरा चाट्ठो बॉल ऑलमोस्ट रेडी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। आप लोग घर में जब बनाएंगे फिर से मैं बोल देती हूँ इसको एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स इसको नीट कर लीजिएगा तो आपका जो डो होगा बहुत ही महीन होगा फिर एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा बॉल देके देख लेते हैं ये रेडी या नॉट रेडी, रेडी नहीं हुआ और भी गर्म होना चाहिए। My oil is almost ready. Now I'm going to put this into the oil. And इसको low flame में तलना है, बहुत ही धीरे धीरे इसको तलना है, high flame मत दीजिएगा फिर जल जाएगा।
देन अदर वन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। टुडेज रेसिपी इज अ रथयात्रा स्पेशल रेसिपी एंड इन द कमिंग रथयात्रा प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। जस्ट इसको फ्लिप करना है, दोनों साइड लाल करके आपको फ्राई करना है, गोल्डन हो जाएगा दोनों साइड। बहुत ही इजी रेसिपी है, वेरी इजी टू मेक एंड वेरी फ्लेवरफुल रेसिपी। सो फ्रेंड्स घर में जरूर बनाइएगा ये रेसिपी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मेरा जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस हाफ कप ऑफ कॉन्डेंस्ड मिल्क। यू कैन यूज सुगर एज वेल बट कॉन्डेंस्ड मिल्क देने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, होता है। दिस इज अमूल मिठाई मेट आई हैव टेकन फॉर दिस रेसिपी। इसमें इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा और इसके अंदर आपको मावा भी देने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं दूध का जो टेक्सचर, इसमें बहुत सारे हम लोग जो सॉर बोलता है वो भी आ चुका है, दैट मीन्स ये बहुत रिड्यूस हो चुका है, फ्लेवर भी इसमें आ चुका है। इसमें मैं जो कार्डमम पाउडर है उसको भी ऐड कर देती हूँ। दिस इज ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून ऑफ कार्डमम पाउडर। आई हैव टेकन 1 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर फॉर दिस रेसिपी, हाफ फॉर रसावली एंड हाफ फॉर दिस फ्लेवरफुल मिल्क। एंड माई रसावली इज ऑलमोस्ट डन फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट दिस रसावली, ऑलमोस्ट डन, दिस इज ऑलमोस्ट डन। बहुत ही सुनहरा कलर आ चुका है इसका, आप लोग ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन ऐसे खाने के लिए आपको इसके अंदर थोड़ा सा चीनी ऐड करना पड़ेगा। जब आप लोग इसको बनाएंगे तब इसके अंदर थोड़ा सा चीनी देने से आप लोग इसको एज अ इवनिंग स्नैक्स भी आप लोग ले सकते हैं इसको।
सो माय रसावली इज डन। इसको इसके अंदर ले लेते हैं। वेरी यम्मी टेस्ट इसका होता है, घर में जरूर एक बार बनाइएगा। एंड पॉइंट्स टू रिमेम्बर, आप लोग घर में जब बनाएंगे इसको एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स नीट कर लीजिएगा, इसका जो महीन स्मूथ टेक्सचर आने के लिए। इसमें थोड़ा सा टेक्सचर और भी आना था, बट दिस इज लाइव सेशन। मेरा रसाबली इज रेडी एंड आई एम ट्रांसफरिंग दिस। अभी इसके अंदर आई एम गोइंग टू एड दिस नट्स। आई हैव टेकन 3 टाइप्स ऑफ नट्स फॉर दिस रेसिपी एंड दिस बॉल्स। रसावली का जो बॉल हुआ उसको मैंने इसके अंदर दे दिया। अभी इसको 1 से 2 मिनट तक बॉईल करना है। आफ्टर दैट इसको ऑफ करके एटलीस्ट यू हैव टू लीव इट फॉर 3 to 4 आवर्स। एंड इसको चिल्ड सर्व करने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा लगेगा। जो रसावली है उसके अंदर आपका दूध का फ्लेवर भी चला जाएगा। एंड माय फाइनल डिश इज रेडी, रसावली इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेट दिस रसावली। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इजी रेसिपी, आप लोग घर में जरूर बनाइएगा। जगन्नाथ देव का प्रसाद के तौर पे मंदिर में रथ यात्रा का टाइम पे ये अर्पित होता है। वेरी इजी एंड फ्लेवरफुल रेसिपी। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माई सेशन। This is my final dish. So friends, this is my final dish, rasavali, today's recipe. Today's recipe, rasavali, is done. Hope you guys have enjoyed my session. Request to all, please. In this Ratha Jatra, do give it a try, and believe me, it is one of the tender and juicy dessert you have ever tasted. So, friends, that's all for today, and I'll be coming soon in the next week with yet another tasty and healthy recipe. Till then, stay tuned and stay healthy. Sabko mera pyar bhara namaskar.